బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక పాలనను సాగిస్తోందని రానున్న రోజుల్లో నరేంద్ర మోడీని గద్దించేందుకు ప్రజలు సిద్ధమయ్యారని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. నాగపూర్లో నిర్వహించిన కాంగ్రెస్ 139వ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీ ప్రభుత్వ వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ఫైర్ అయ్యారు. ఇక ప్రధాని అదానీ ఇద్దరు అవినీతి పర్లేనని అదానీ అవినీతి గురించి లోక్సభలో రాహుల్ గాంధీ ప్రశ్నించినందుకే వేటు వేశారని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేశారు. भारत जोड़ो में दो प्रदेश में सरकार बनाए. अभी राहुल जी भारत न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक अभी शुरू करने वाले हैं. इसीलिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी का पद यात्रा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को फिर सरकार में ले आके लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने वाले हैं. और भाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात कहते रहता है हमारा नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच छाती है. मैं एक बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से. 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी जहां पर लोकसभा में बैठता है एक आम आदमी लोकसभा में घुसकर लोकसभा में खुद कूद कर लोकसभा और नरेंद्र मोदी का कुछ है नहीं है. हम कूद सकता है बोल के एक दिखाए. मैं पूछना चाहता हूं 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी कोई आदमी आके लोकसभा में कूदे तो आप नहीं रोक सका. फिर तिरंगा झंडा लाल किले में भी आप नहीं रोक सकते. हर मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट रहता है. नरेंद्र मोदी जी मेडिसिन का भी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुके हैं. अभी आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का मेडिसिन इस भारत में कुछ काम करने वाले नहीं है. और दूसरी बात डबल इंजन सरकार बार बार ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार. मैं एक बीजेपी का कोई नेता मिले तो मैं पूछा डबल इंजन का मतलब क्या है. भाई डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन है. मगर राहुल जी लोकसभा में एक बार आवाज उठाए तो अदानी इंजन पूरा खराब हो गए. शट को चले